हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी वीडियो एडिटिंग कुछ इस तरह की होने वाली है। तो इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि आप ही के टाइम पे कुछ इस तरह के जो वीडियो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस वाले वीडियो को एकदम इजी स्टेप में बना सकते हो। तो आपको वीडियो को कैसे एडिट करना है, तो फिर चलिए हम आपको बताते हैं। तो हम इस वाले वीडियो को एडिट करने वाले VN एप्लीकेशन में। तो आपको सबसे पहले इस VN एप्लीकेशन को ओपन कर लें। ओके, इस वाले ऐप में आ जाने के बाद अब आपको इस प्लस वाले आइकन पर आपको टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है और आपको इस वाले वीडियो को ओपन कर लें। ओके, तो आपको वीडियो को ओपन करने के बाद अब आपको आगे जाना है। ओके, तो आपको इस वाले पार्ट पर आ जाना। ओके, जहाँ पर इस बंदे का जो वीडियो आ रहा है। ओके ओके, तो आपको यहाँ पर आ जाने के बाद आपको वीडियो को कर लेना है स्प्लिट और आपका ये जो आगे वाले इस बंदे का जो वीडियो है आपको इसे डिलीट कर लेना। ओके, और आपको इसके ब्लैक पार्ट को भी आपको डिलीट कर लेना। ओके, तो अब आपको इस प्लस वाले आइकन पे आपको टैप करना है, फोटोज़ पे टैप करना है। तो अब आपको अपना कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो को ले लें। ओके, जो भी वीडियो या फोटोज़ पे आप इस तरह की वीडियो को एडिट करना चाहते हो। ओके, तो वो आपको ओपन कर लें। ओके, यहाँ पर हम फोटो को ओपन कर लेते। ओके, तो आपको फोटो को या वीडियो को ओपन करने के बाद आपको इसे फुल स्क्रीन में बड़ा कर लें। ओके, तो इतना सा करने के बाद आपको यहाँ पे ही रहना है। ओके, तो अब आपको ये जो गैलरी वाला ये जो स्टिकर जो PIP के आपको इस पर टैप करना है, स्टॉक पे टैप करना है और आपको इस वाले लिरिक्स वाले वीडियो को ओपन कर लेना। ओके, आपको ये वाले वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको इस लिरिक्स वीडियो को डाउनलोड कर लेना। ओके, तो आपको वीडियो को ओपन करने के बाद अब आपको इसे स्लाइड करना है। ओके, ये जो ब्लेंडिंग वाला जो आइकॉन है आपको इस पर टैप करना है और आपको इसका कर लेना है स्क्रीन। ओके, तो आपको स्क्रीन करने के बाद आपको इसे डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको इस वीडियो पे आपको वापस से टैप करना। ओके, और आपको इसका जो साउंड है आपको इसे कम कर लेना। ओके, तो इतने से करने के बाद आपको इस आगे वाले वीडियो पे आपको टैप करना है और आपको इसका भी वीडियो को आपको इसका भी वॉल्यूम को कर लेना है कम। ओके, अब आपको इस साउंड वाले आइकन पे आपको टैप करना है, म्यूजिक पे टैप करना है, एक्सेप्ट वीडियो पे टैप करना है, ओके कर लेना है और आपको इस वाले वीडियो को ओपन कर लेना। ओके, जिसको हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया। ओके, तो आपको इस वीडियो के जो साउंड की लिंक है उसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। ओके, तो अब आपको न्यू एल्बम पे टैप करना है, वापस से न्यू एल्बम पे टैप करना है और आपको इस वाले ऑडियो को यूज़ करके ओपन कर लें। ओके, तो आपको ऑडियो को ओपन करने के बाद अब आपको इस बीच वाले पार्ट पर आपको आ जाना है। ये जो हमारा फोटो है आपको इस पर टैप करना है, एफेक्ट्स पे टैप करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी आपको इफेक्ट आपको शो करेंगे, तो आपको इनमें से कोई भी इफेक्ट को ऐड कर लें। ओके, तो यहाँ पे हम इस जिटर वाली एफेक्ट्स को ऐड कर लेते। ओके, तो आपको एफेक्ट्स को ऐड करने के बाद आपको इसे यहाँ पे आके रख लें। ओके, तो अब आपको इसे डन कर लेना है। ओके, अब आपको इस वाली इमेज पे आपको टैप करना है और आपको इसके बीच में से आपको इस पार्ट को स्प्लिट करना। ओके, और आपको बीच वाली इमेज पे आपको टैप करना है, एफेक्ट्स पे टैप करना है और यहाँ पे आपको कोई भी ये जो ब्लैक इफेक्ट्स है, ये जो वाइट इफेक्ट्स, ओके, या फिर आप कोई भी इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम इस ब्लैक वाले इफेक्ट्स को ऐड कर लें। ओके, तो यहाँ पे हमारा वीडियो एडिट हो चुका। ओके, अगर आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। ओके, तो हमारा वीडियो यहाँ पे एडिट हो चुका है, तो फिर चलिए हम वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा देते हैं कि हमारी वीडियो यहाँ पे किस तरह से एडिट हो चुका है। तो देखा आपने आप इस तरह से ये वाले वीडियो को एकदम जिस ऐप में एडिट कर सकते हो। ओके, तो अब आपको वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।